तो दोस्तों अभी मैं इसको टेस्ट करने वाला हूँ Realme X को. I'll be testing it in all kinds of situations. कार वॉश हो रही है. मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 60 FPS पे. अभी हम गेटवे ऑफ इंडिया को जूम इन करते हैं. ये है 4X, ये है 6.7X. तो इधर थोड़ा सा पिक्सेलेट हो जाता है, लेकिन वो अंडरस्टैंडेबल है क्योंकि ये डिजिटल जूम है. और भी आगे जा सकता है, लेकिन आई डोंट थिंक इट्स नेसेसरी बिकॉज थोड़ा पिक्सेलेट हो जाता है. तो अभी हम आ जाते हैं अपने ओरिजिनल पोजीशन पे. तो ये है अपना 1X. तो अब देखो कैसा वीडियो आ रहा है. ये देयर आर नो फ्रेम ड्रॉप्स व्हाटसोएवर, यू कैन सी दैट. तो अभी जो रियर कैमरा जो बैक कैमरा उससे शूट कर रहे हैं 60 FPS पे. तो अभी थोड़ा देयर आर नो फ्रेम ड्रॉप्स एज सच. तो दोस्तों अभी मैं इसके फ्रंट कैमरा को टेस्ट कर रहा हूँ और ये वर्टिकल पोजीशन पे है. तो अब देखो कैसा उसका वीडियो आ रहा है. अरे क्या दो सिंग बन गए सर पे. अभी इसका बैक कैमरा से मैं वीडियो ले रहा हूँ. तो अभी इसको मैं घुमा देता हूँ और आपको दिखाता हूँ इसका जूम टेस्ट. तो वहाँ पे एक आदमी बैठा है, उसको हम जूम करते हैं. तो ये हो गया 10X जूम. तो अभी हम पीछे पीछे आते हैं. तो ये 1X है. तो ये है मूवमेंट में इसका वीडियो. तो अभी मैं नॉर्मली चल रहा हूँ और आप देखो कैसा है. तो ये है अपना बैक कैमरा से. ये तो पूरा एड्स की टैक्सी है. दोस्तों ये हम आ गए मरीन ड्राइव. दोस्तों अब मैं एक मैक्रो शॉट लेने की ट्राई करता हूँ कैसे वो बैकग्राउंड को ब्लर कर देता है. देखो दोस्तों अब मैं यहाँ पे और एक स्लो मोशन शॉट लेने वाला हूँ. दोस्तों तो अब मैं ये फ्रंट कैमरे से शूट कर रहा हूँ. कैसा वीडियो आ रहा है आप देखो. तो अभी मैं फेस कर रहा हूँ सनलाइट को. अभी मैं अंदर जाता हूँ. तो ये मैं अंदर आ गया. अंदर लो लाइट है और इसमें आप एक्सपोजर कॉम्पनसेशन को देखो, काफ़ी अच्छा आ रहा है. वाह, सो आई एम वेरी हैप्पी कि
कि लो लाइट में इसका परफॉर्मेंस इतना अच्छा है. 16 मेगापिक्सल इन द फ्रंट. ऑलराइट, सो आपको क्या लगता है ये एक अच्छा व्लॉगिंग कैमरा बन सकता है? मेरे ख्याल से तो बन सकता है. मैंने बहुत सारे सेल्फीज निकाले, आप देख लो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे. मुझे फॉलो कर दो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक का पेज लाइक कर दो, आपको सारे सेल्फीज वहाँ पे दिख जाएंगे, सेल्फीज फोटोज नॉर्मल. तो अभी नेक्स्ट मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसका रियर कैमरा टेस्ट करने वाला हूँ इस लो लाइट कंडीशन में. तो आइए देखते हैं. तो दोस्तों अब मैं इसको रियर कैमरा से शूट कर रहा हूँ. अब मैं इसको फ्लिप करता हूँ, मेरी तरफ करता हूँ. ऑलराइट, सो नाउ दिस इज द बैक कैमरा. ऑलराइट, तो ये थोड़ा सा सामने से लाइट आ रहा है, तो दिस इज द काइंड ऑफ अ क्वालिटी यू लिखे. लो लाइट में जा रहा हूँ. ये हो गया लो लाइट. तो दोस्तों ये इसका रियर कैमरा है. ओ गिरते गिरते बचा. जूम करता हूँ इसको. ये हो गया 3x, सॉरी ये 10x हो गया. तो पिक्सेलेशन होता है ऑब्वियसली, ये डिजिटल जूम है इसके लिए. ऑप्टिकल जूम तो इसमें कैसे आएगा. मेरा जो डिजी कैम है उसमें ऑप्टिकल जूम है, तो अगर जूम की ज़रूरत रहेगी तो मैं मेरा डिजी कैम यूज़ करूँगा. फास्ट मूव किया. तो दोस्तों अभी बारिश गिरने लगी, बहुत जोर से गिर रही है. अभी इसको मैं स्लो मोशन में शूट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ. इसका काफी अच्छे से इफेक्ट आएगा मुझे ऐसा लग रहा है. तो ये अभी जो शूट कर रहा हूँ एकदम ही लो लाइट में, बहुत लो लाइट. देखो कैसे आ रहे हैं. वाह, आई रियली अप्रिशिएट द क्वालिटी ऑफ दिस फोन इन लो लाइट मैन, सीरियसली. अभी मैं थोड़ा सा लाइट में आया हूँ. देखो जहाँ तक ब्लॉगिंग का सवाल है, यू डोंट नीड दैट मच ऑफ जूम, तो जूम का इतना फर्क नहीं पड़ता है. जो भी है ये कैमरा में, इट इज लाइक मोर देन इनफ फॉर ब्लॉगिंग, एंड दैट्स व्हाई आई फील कि ये एक परफेक्ट ब्लॉगिंग कैमरा बन सकता है. तो एनीवेज गाइस, अब मैं निकलता हूँ यहाँ से. बापरे, इधर काफ़ी ऐसा अनसेफ जगह है ये. तो यहाँ पे आपको एक वेब दिखाता हूँ, ये देखो. बहुत भूख लगी है यार, मैं खा रहा हूँ ये मूंग दाल. एनीवेज गाइस, ये था मेरा Realme X का कैमरा टेस्ट, वीडियो टेस्ट, और मैं होप करता हूँ आपको अच्छा लगा. तो इस वीडियो से और ये टेस्टिंग से मुझे ये पता चला कि Realme X एक अच्छा व्लॉगिंग कैमरा है. ओहो वाह, क्या चाय. ऐसे क्यों होता है कि घर पे चाय एकदम फीकी बनती है और बाहर ये लोग क्या रेसिपी रहती है पता नहीं. खास करके ऐसे हाईवे पे जब आप रहते हो ढाबे पे, तो उनकी चाय आप टेस्ट करोगे ना, मतलब ऐसे लगता है इधर ही वैसी मिलती है, मतलब बाकी कहीं नहीं मिलती है. बाय द वे, ये अब जो वीडियो है ना, ये मैं फ्रंट कैमरे से ही शूट कर रहा हूँ Realme X के. नॉर्मली ना क्या होता है, कभी भी मैं चाय पीता हूँ ना, मेरे को बिस्किट या कुछ तो ऐसा डुबाने के लिए लगता है, लेकिन जब ऐसी चाय हो ना तो मैं बिल्कुल, मतलब मेरे को कुछ ज़रूरत ही नहीं है.